सो वेर बडीज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वंस अगेन आई एम हैव टू टेल यू सम वर्ड्स। तो गाइज आज फिर मैं आप लोग के सामने बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड्स लेकर के आया हूँ। गाइज कुछ ही वर्ड्स हैं, 4-6-8 वर्ड हैं, लेकिन गाइज बहुत प्यारे वर्ड्स हैं। आप इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखते रहिए तो आपको बहुत मजा आएगा। इन वर्ड्स को सुनकर गाइज आप लिखिए और यूज़ करिए। तो गाइज लेकिन मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश विद अतीक। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, पिक्चर के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम बौने बौने से लोग हैं, मतलब छोटे छोटे से लोग हैं। बौने को बोलते हैं डॉफ। क्या बोलते हैं? डॉफ। इसका मतलब होता है कि बौना। अगर आपको बोलना होगा मेरा दोस्त जो है वो बौना है तो आप बोलेंगे माई फ्रेंड इज डॉफ। क्या बोलिएगा? माई फ्रेंड इज डॉफ। दे आर डॉफ। क्या बोलिएगा? दे आर डॉफ। तो गाइज अगला जो हमारा जो वर्ड है वो ये है, आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, ये जो है गोल मोल है, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं गोलू मोलू, है ना। कुछ लोग होते हैं गोलू मोलू होते हैं, मोटे मोटे लोग होते हैं ना, गोल गोल होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं टबी। क्या बोलते हैं? टबी। अगर मुझे बोलना सर कि वो टबी वो गोलू मोलू कहाँ है तो आप बोलेंगे वेर इज़ टबी मैन। क्या बोलेगा? वेर इज़ टबी मैन। अगर मुझे बोलना कि मेरा दोस्त जो है गोलू मोल है, मतलब मोटा है, एकदम गोल है, एकदम गोल, तो आप किस तरह बोलिएगा? माई फ्रेंड इज़ टबी। क्या बोलिएगा? माई फ्रेंड इज़ तभी। अगला जो हमारा गाइस वर्ड है वो ये है, आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर कितना खराब आदमी लग रहा है ना, तो इसको बोलते हैं हिडियस। क्या बोलते हैं? हिडियस। हिडियस का मतलब होता है बदसूरत, है ना। कुछ लोग होते हैं बहुत बदसूरत होते हैं, तो अगर आपको बोलना हो कि आज मैंने बहुत बदसूरत लड़के को देखा हूँ तो आप किस तरह बोलेंगे? तो आप बोलेंगे टुडे आई सॉ अ हिडियस बॉय। क्या बोलेगा? टुडे आई सॉ अ हिडियस बॉय। या फिर बोलना हो कि वो बहुत बदसूरत आदमी है या बहुत बदसूरत लड़का है तो आप बोलेंगे ही इज हिडियस बॉय, ही इज हिडियस मैन। कुछ भी आप बोल सकते हैं। अगला वर्ड गाइज उससे भी बदसूरत है। अगला जो वर्ड गाइज हमारा वो उससे भी बदसूरत है, आप देख रहे हैं ना, उससे भी बदसूरत है। और जब किसी और चीज़ से बदसूरत है तो उसको हम बोलते हैं गाइज रिपल्सिव। रिपल्सिव को मतलब होता है बहुत बदसूरत, मतलब एक होता है बदसूरत और एक होता है बहुत बदसूरत, जिससे लोग नफरत करते हों, एकदम लोग उसके पास आने जाने से, उससे बातचीत करने से एकदम बहुत ज़्यादा उससे हेट करते हों, नफरत करते हों, तो ऐसे को बोलते हैं रिपल्सिव। और अगर मुझको बोलना हो सर कि वो एकदम बदसूरत आदमी है तो आप किस तरह बोलेंगे? ही इज़ रिपल्सिव मैन। क्या बोलिएगा? ही इज़ रिपल्सिव मैन। और अगर मुझे बोलना कि मेरा पड़ोसी जो है वो बहुत बदसूरत है, कभी नहाता धोता नहीं है, इतना बदसूरत है ना चेहरे से, शक्ल से, हर चीज़ से, तो आप किस तरह बोलेंगे? आप बोलेंगे माई नेबर इज़ रिपल्सिव। क्या बोलिएगा? माई नेबर इज़ रिपल्सिव। अगर कुछ लोग के दोस्त भी रिपल्सिव होते हैं, है ना, अगर हैं तो लिख करके बताइएगा। गाइज अगला जो हमारा वर्ड है वो ये है, आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, कभी कभी क्या होता है कुछ लोग होते हैं बड़ी उम्र के लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं ना, मतलब जैसे पप्पू यादव जी हमारे, है ना, जो बिहार के पहले MLA थे या जो भी कुछ थे, तो जो जो बड़े लोग होते हैं लेकिन मोटे भी होते हैं, उम्र भी ज़्यादा होती है और खूब मोटे मोटे लोग होते हैं। जैसे आप लोग पहले मुझको ही समझते थे खूब मोटा होऊंगा, खूब ऐसा होऊंगा, लेकिन आपने जब देखा तो लगा ये थे दुबले पतले। ओवरऑल अब जो मोटे लोग होते हैं और उम्र में बड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं स्टाउट। क्या बोलते हैं? स्टाउट। अगर मुझे बोलना हो कि वो स्टाउट मैन है, वो एक मोटा बड़ी उम्र का मोटा आदमी है, तो आप किस तरह बोलेंगे? आप बोलिएगा ही इज़ स्टाउट मैन, मतलब वो जो है मोटा आदमी है। वो आदमी का मतलब क्या होता है? उम्र भी जिसकी ज़्यादा हो, है ना। ओवरऑल अगला जो वर्ड गाइस वो है सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब गैस सिलेंडर नहीं, इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा लड़का या ऐसी लड़की जो बहुत खूबसूरत हो, आकर्षित करने वाला हो, है ना, तो उसको बोलते हैं सिलेंडर। अब ये नहीं कि सर ने बता दिया सिलेंडर तो सिलेंडर को देख रहे हैं एकदम गौर से, नहीं, इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी, ऐसा लड़का, ऐसा लड़की जो खूबसूरत हो, जो आकर्षित करने वाला हो या करने वाली हो, तो उसको बोलते हैं सिलेंडर। अगर मुझे बोलना हो कि वो खूबसूरत है और गोरा भी है या गोरी भी है, तो आप किस तरह बोलेंगे? ही इज़ सिलेंडर एंड फेयर, शी इज़ सिलेंडर एंड फेयर। ओवरऑल अगला जो गाइज हमारा वर्ड है वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है शक्ल सूरत। अगर आपको बोलना हो कि आपको शक्ल सूरत के लिए कुछ करना चाहिए तो आप बोलेंगे यू शुड डू समथिंग अबाउट योर अपीयरेंस। यू शुड डू समथिंग अबाउट योर अपीयरेंस, मतलब आपको शक्ल सूरत के लिए कुछ करना होगा। ओवरऑल तो गाइज ये थे हमारे कुछ वर्ड्स जिनको मैं आपको बताना चाहता था। ओवरऑल तो गाइज इन वर्ड्स को सीखिए, याद करिए, जहाँ आपके दोस्त हों, पड़ोसी हों या कुछ भी चीज़ हो, और आपको अगर यूज़ करने का, आपको अगर इस्तेमाल करने का मौका मिल जाए तो बिल्कुल छोड़िएगा मत, एकदम यूज़ करके छोड़िएगा। ओवरऑल गाइज चलिए फिर मुलाकात होती है किसी दूसरी वीडियो में, लेते हैं ब्रेक, बाय।